हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए, एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज एसटीसी। तो देखिए, जैसे सारे ही इंस्ट्रक्शंस की स्पेसिफिकेशन हम आपको बताते हैं, तो आज की जो इंस्ट्रक्शन है वो है एसटीसी, एसटीसी। तो इसका जो निमोनिक होता है, ये सिंपली हम ऐसे कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शन लिखते हैं एसटीसी। ये ऑपरेशन क्या करता है, ये सेट टू कैरी वन, यानी ये कैरी को वन कर देता है। ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है। इसमें केवल एक मशीन साइकिल यूज होती है, वो भी ऑपकोड फेज। और एल्गोरिथम क्या कहती है कि वन को डाल दो सीवाई में, यानी कैरी को वन सेट कर दो। फ्लैग्स की जहां तक बात है, तो देखिए केवल इसमें क्या होता है, ऑनली कैरी फ्लैग इज सेट, नो अदर फ्लैग्स आर मॉडिफाइड, नो अदर फ्लैग्स आर मॉडिफाइड। यानी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले जो स्थिति रहती है फ्लैग्स की, वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रहती है। केवल कैरी फ्लैग जो है वो चाहे जीरो हो तो भी वन हो जाता है, और वन हो तो वो वन रहता है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेसिंग मोड की। तो इसमें भी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड ही यूज किया जाता है, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। ठीक, और टी स्टेट्स कितने यूज होते हैं, तो चूंकि आपने देखा यहाँ पे एक मशीन साइकिल यूज हो रही है, और कौन सी मशीन साइकिल है, ऑपकोड फेज। और ऑपकोड फेज मशीन साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कितने टी स्टेट्स की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है 4 टी स्टेट्स की। तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमको 4 टी स्टेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्शन की, कि इस इंस्ट्रक्शन का अगर हम डिस्क्रिप्शन लिखना चाहेंगे तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि सेट कैरी फ्लैग। ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये इंस्ट्रक्शन करती है सेट कैरी फ्लैग, यानी कैरी फ्लैग को वन सेट कर दीजिए। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमने ये कमांड दिया या इंस्ट्रक्शन दी एसटीसी, तो जब आप एसटीसी इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए हम फ्लैग रजिस्टर यहाँ पे बनाते हैं, सपोज कीजिए ये हमने फ्लैग रजिस्टर बनाया, तो हमें मालूम है फ्लैग रजिस्टर में क्या होगा कि ये 8 बिट होंगे। ठीक है, और इसमें 8 बिट में जो जो बिट नहीं यूज होते हैं पहले उनको हटा दीजिए। तो जैसे ये हो गया, उसके बाद ये नहीं यूज होता है, उसके बाद ये नहीं यूज होता है, तो ये हमने ऐसे कर दिया। अब कौन सा बिट कौन सा फ्लैग रिप्रेजेंट करता है, तो ये देखिए, ये आपको मालूम है साइन फ्लैग, जेड फ्लैग, ये ऑक्सिलरी कैरी, साइन हो गया, जीरो हो गया, ऑक्सिलरी कैरी हो गया, फिर ये पैरिटी फ्लैग, और उसके बाद ये कैरी फ्लैग। तो मान लीजिए हमने कहा कि अगर बिफोर एग्जीक्यूशन, अगर हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन से पहले, तो सपोज कीजिए इसको हमने लिख दिया यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले क्या स्थिति थी, तो मान लीजिए हमने साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, इन सबको हमने डोंट केयर कर दिया क्योंकि इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ना है, जो भी था वही रहेगा। और कैरी फ्लैग जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले जीरो था। ठीक, तो ये कैरी फ्लैग जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। यानी अगर हम आफ्टर इंस्ट्रक्शन इस फ्लैग रजिस्टर को दिखाएं, इसको आप लिख दीजिए दिस इज फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें फिर से हम मेंशन कर, जैसे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, फिर आपका ऑक्सिलरी कैरी,
फिर पैरिटी फ्लैग और फिर ये कैरी फ्लैग। जो अनयूज्ड बिट्स हैं उनको हमने ऐसे शो कर दिया कि अननेसेसरी यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक, अब देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो साइन 0 ऑक्सिलरी कैरी और पैरिटी फ्लैग। इसको मैं डोंट केयर इसलिए लिखा है कि इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना, तो जो था वही रहेगा। तो इसको मान लीजिए हमने मार्क कर दिया कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले जो स्थिति थी वही हमने फिर से यहाँ मार्क कर दिया, वही स्थिति रहेगी। लेकिन ये जो कैरी फ्लैग है ये आपका वन हो जाएगा। तो मेन आपको यही देखना है कि ये जो कैरी फ्लैग है, कैरी फ्लैग इज सेट, कैरी फ्लैग इज सेट। तो ये जो एसटीसी इंस्ट्रक्शन है ये इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है कि जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो कैरी में पहले क्या था, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने पहले 0 था तो भी और 1 था तो भी, जो भी कंडीशन रहेगी ये फाइनली कैरी फ्लैग को 1 सेट कर देगा। तो ये बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रक्शन है। अब इसके बाद बात आती है इसके टाइमिंग डायग्राम की। तो देखिए टाइमिंग डायग्राम हमने आपको बताया हुआ है कि जब हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन कवर कर लेंगे, ठीक है, टाइमिंग डायग्राम की अगर हम लोग बात करें, टाइमिंग डायग्राम, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था जब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हम पढ़ा रहे थे, तो जब सारी अर्थमेटिक करीब हमने कहा कि से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मान लीजिए 12 14 या से सब लेटेस्ट से 14 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन थी, तो अगर हम हर इंस्ट्रक्शन के साथ उसी लेक्चर के साथ में आपको टाइमिंग डायग्राम बनाने लगते तो अननेसेसरी वो लेक्चर लेंदी हो जाता। तो हमने क्या किया था, इस टाइमिंग नंबर ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, तो वो इंस्ट्रक्शन जिनके टाइमिंग डायग्राम एक तरह के थे उसको हमने एक इंस्ट्रक्शन टाइमिंग डायग्राम से बता दिया था, फिर तीन चार इंस्ट्रक्शन जिसके दूसरे तरीके से हमने दूसरे में बना दिया था, यानी इन 14 इंस्ट्रक्शन को हमने एक दो तीन तीन चार ग्रुप में पांच ग्रुप में करके हमने टाइमिंग डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया था। तो वैसे ही लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के जो टाइमिंग डायग्राम है वो भी हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जब कवर हो जाएगी पूरी सारी इंस्ट्रक्शन 8085 सेट में जो अवेलेबल है, उसके बाद इन सबको हम ग्रुपिंग करके जिनका टाइमिंग डायग्राम सेम रहेगा तो कई इंस्ट्रक्शंस को हम एक एक लेक्चर में कवर करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी तो आप सारी इंस्ट्रक्शन जो है अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी फिर इसके बाद जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, लॉजिकल प्रोग्राम बनाएंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में, माइक्रोसर की प्रोग्रामिंग में, तो अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं क्लियर रहेगी तो आपको फिर वो प्रोग्राम्स डेवलप करने में, प्रोग्राम समझने में, या अगर आपने डेवलप भी कर लिया समझ भी लिया तो अगर प्रोग्राम में कोई बग आ रहा है, कोई एरर आ रही है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स अगर आप इंस्ट्रक्शंस क्लियर किए रहेंगे तो आपको उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि देखिए माइक्रो प्रोसेसर किट आप लोगों ने मोस्ट प्रॉब्ली देखा होगा, और नहीं भी देखा होगा तो आप देखेंगे तो अभी आप देखते हैं माइक्रोप्रोसेसर में जो भी हम वैल्यूज लिखते हैं, जैसे हमने कहा एक्यूमुलेटर में सपोज कीजिए 03H है, तो ये H मतलब हेक्सा, दिस H स्टैंड्स फॉर हेक्सा डेसिमल, ठीक है, यानी माइक्रोप्रोसेसर किट आप देखिएगा अपनी लैब में जाके तो उसमें कोई भी वैल्यू हम एंटर करते हैं तो जैसे आप ये 03 एंटर करेंगे तो ये हेक्सा डेसिमल में एंटर होता है, यानी ये 0 का हो जाएगा आपका 0000 और 3 का हो जाएगा 0011। तो जब ये 10 की फॉर्म में आ जाएगा तो जो फिर माइक्रोप्रोसेसर की जो सर्किटरी है और जो माइक्रोप्रोसेसर है वो उसको 10 की फॉर्म समझ में आती है और वो फिर अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा। ऐसी जो भी निमोनिक्स हम लोग लिखते हैं माइक्रोप्रोसेसर में, जितने भी निमोनिक लिखते से आज जैसे आज ही जो इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा है एसटीसी, तो जब आप जो भी मैन्युफैक्चरर रहता है, जो भी सप्लायर रहता है उस किट का, उस माइक्रो प्रोसेसर का, वो इंस्ट्रक्शन सेट के साथ निमोनिक्स की लिस्ट और उसका जो कोड रहता है हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है, जैसे सब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका कोड जो है हमने कहा ये है, ये हमने फॉर एग्जांपल लिया लेट्स से, तो हर ऐसे जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी पिछले दिनों पढ़ा था CMAR, उसका मान लीजिए 1001 से 1110 ऐसे, तो हर
निमोनिक के साथ ही जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो उसका हेक्साडेसिमल कोड भी प्रोवाइड करती है। क्योंकि डाटा तो मान लीजिए आप हेक्साडेसिमल में दे रहे हैं, आप यूजर किट से फीड कर देंगे, लेकिन ये जो निमोनिक्स है इनका भी करस्पॉन्डिंग कोड ऑलरेडी सप्लाइड रहता है इंस्ट्रक्शन सेट के साथ में, तो उसके हिसाब से फिर माइक्रो प्रोग्रामिंग की जाती है। तो आई होप कि आज का जो ये आज कौन सा इंस्ट्रक्शन उन्होंने पढ़ा, STC, ये इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।